नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी का एंड्रॉइड ऐप आ चुका है, उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोहित्रा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब्बा जान वाले बयान पर हमला बोला है। महुआ ने ट्वीट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट को योगी आदित्यनाथ के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री खुलेआम सांप्रदायिक आधार पर लोगों को भड़का रहे हैं, ये भारतीय दंड संहिता की धारा 153 का उल्लंघन है। क्या कोई इस पर स्वतः संज्ञान लेगा? बता दें, योगी ने रविवार को कुशीनगर में एक जनसभा में कहा था कि आज हर गरीब को मुफ्त राशन मिल रहा है। 2017 के पहले अब्बा जान कहने वाले गरीबों का राशन हजम कर जाते थे। योगी आदित्यनाथ के अब्बा जान वाले बयान पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि अब्बा के बहाने किसके वोटों का तुष्टीकरण हो रहा है बाबा। देश के 9 लाख बच्चे गंभीर तौर पर कुपोषित हैं, जिनमें से 4 लाख बच्चे सिर्फ यूपी से हैं। ग्रामीण उत्तर प्रदेश में 13,944 सब सेंटर्स की कमी है, 2,936 PHC की कमी है, 53% CHC की कमी है। केंद्र सरकार के मुताबिक बाबा राज में यूपी के PHC में सबसे कम डॉक्टर मौजूद हैं। ओवैसी ने कहा कि अगर काम किए होते तो अब्बा अब्बा चिल्लाना नहीं पड़ता। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में नोटिस भेजा है और अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी BJP पर हमलावर हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में वो हमें IT डिपार्टमेंट, CBI, दिल्ली पुलिस से डराने की कोशिश करते रहे, लेकिन हमने यहाँ पर 62 सीटें जीत ली। और अब जब हम पंजाब, गोवा, गुजरात, उत्तराखंड और UP में आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे पीछे ED लगा दी गई है। केजरीवाल ने कहा कि BJP कभी भी अपने हथकंडों में कामयाब नहीं हो पाएगी, वो हमें और मजबूत बनाएंगे। भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने सोमवार दोपहर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जैसे नेता शामिल हुए। अमित शाह ने विश्वास जताया है कि वह प्रदेश को विकास यात्रा पर आगे बढ़ाएंगे। पहली बार विधायक बनने वाले सीधे मुख्यमंत्री बने भूपेंद्र पटेल ने रविवार शाम को ही राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मिलकर सरकार गठन का दावा पेश कर दिया था। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल को चुने जाने से नाराज बताए जा रहे नितिन पटेल ने अब कहा है कि मुख्यमंत्री नहीं चुने जाने पर बिल्कुल वो नाराज नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं 18 साल से जनसंघ से लेकर आज तक BJP का कार्यकर्ता हूं और रहूंगा। कोई जगह मिले या नहीं वो बड़ी बात नहीं है, लोगों का प्रेम और सम्मान मिले वही बड़ी बात है। इससे पहले नितिन पटेल ने कहा था कि उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। उन्होंने कहा कि वे लोगों के दिलों में रहते हैं, कोई भी उन्हें वहां से नहीं निकाल सकता। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में ये भी कहा था कि वह अकेले नहीं है जिसकी बस छूट गई, उनके जैसे कई और हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा है कि वह पेगासस जासूसी मामले के संबंध में विस्तृत हलफनामा दायर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे आतंकवादी संगठनों को यह पता चल जाएगा कि हम आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि क्या केंद्र सरकार पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल कर रहा था? इस मुद्दे पर हम राष्ट्रीय सुरक्षा के हित को देखते हुए एक विशेषज्ञों के पैनल के सामने तो बहस कर सकते हैं, लेकिन हलफनामे में इसको लेकर कुछ नहीं कह सकते। सरकार की ओर से कहा गया कि हम यह हलफनामे में नहीं बता सकते हैं कि यह ए सॉफ्टवेयर के द्वारा किया गया या बी सॉफ्टवेयर के द्वारा। उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ों को बताने के अपने नुकसान हैं और इसे सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। पेगासस मामले की जांच की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने कहा कि अदालत को राष्ट्रीय हित के मुद्दों के बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हम केवल आरोपों के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कुछ नागरिकों जैसे वकीलों आदि की जासूसी के लिए किया गया था। CJI ने कहा कि हम जानना चाहते हैं क्या ऐसा करने के लिए कानून के तहत इसकी अनुमति है। पेगासस मामले की सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि इस स्पाइवेयर का इस्तेमाल गैर कानूनी है, इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इससे आम नागरिकों को निशाना बनाया गया है, यह गंभीर मामला है और इसमें सरकार ये नहीं कह सकती कि वो अदालत को इसके बारे में नहीं बता सकते। सिब्बल ने कहा यह अविश्वसनीय है कि सरकार कह रही है कि वो कोर्ट को नहीं बता सकती।
सरकार की ओर से ये कहे जाने कि वो इसको लेकर एक कमेटी बना देंगे, सिब्बल ने कहा कि क्यों सरकार को खुद की ही एक कमेटी बनाने दी जाए, ये तो सरकार की पहुंच से पूरी तरह से दूर होनी चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडिस का निधन हो गया है। वे कई हफ्तों से बीमार चल रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट कर दुख जताते हुए कहा है कि ऑस्कर फर्नांडिस जी के निधन से गहरा दुख पहुंचा है। कांग्रेस परिवार को उनके मार्गदर्शन की कमी खलेगी। केरल के कैथोलिक बिशप के नारकोटिक्स जिहाद वाले बयान के बाद केरल में सियासत तेज हो गई है। इस बयान को बीजेपी ने लपक लिया है। बीजेपी ने रविवार को कहा कि आरोप राज्य में ईसाई समुदाय की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है। इसके साथ ही बीजेपी ने नारको आतंकवाद और लव जिहाद से निपटने के लिए केंद्र सरकार से मांग की कि वो हस्तक्षेप करे और इसको लेकर कानून लाए। इस बीच भाजपा की केरल इकाई ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर जिहादी गतिविधियों को रोकने और बिशप के अलावा ईसाई समुदाय को सुरक्षा देने के लिए हस्तक्षेप की मांग की। तालिबान ने कहा कि अब अफगानिस्तान में विश्वविद्यालयों को जेंडर के आधार पर अलग करने का फैसला किया गया है। लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं पढ़ सकेंगे और इन संस्थानों में नए इस्लामी ड्रेस कोड की शुरुआत की जाएगी। छात्राओं को हिजाब पहनना होगा। देश के नए उच्च शिक्षा मंत्री अब्दुल वकी हक्कानी ने कहा कि विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों की भी समीक्षा की जाएगी। महिला शिक्षकों की कमी को लेकर तालिबान के शिक्षा मंत्री ने कहा कि महिलाओं को पुरुष शिक्षक पर्दे के पीछे से पढ़ा सकेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।